हमारे देश में शराब को एक बुरी चीज मानी जाती है, पर सबसे ज्यादा उपयोग इसी का किया जाता है। अगर हम बात करें कि शराब अच्छी है तो नहीं, अच्छी नहीं है, पर अगर एज अ बिजनेस आप इसे देखते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक शराब का जो देसी ठेका होता है उसको ले सकते हैं, इसको लेने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट आपके पास होनी चाहिए, मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए, कितने रुपए लगते हैं, किस जगह पर आप इसे ले सकते हैं, इसको लेने का प्रोसेस क्या होता है और भी बहुत सारी चीजें। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम टोटल 4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये 4 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक शराब के ठेके को लेने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आपके लाइसेंसेस कौन कौन से लगने वाले। तो सबसे पहले तो आपके पास GST नंबर होना चाहिए, बिना इसके आप इसे नहीं ले सकते हैं। प्लस यहाँ पर साथ में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली आपके पास मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो राज्य हैं उस राज्य में एक एक्साइज डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। एक्साइज डिपार्टमेंट के अंडर में ये जितने भी एल्कोहल वाली चीज़ें होती हैं, जितने भी एल्कोहल स्टेशंस होते हैं, जैसे आपका हुक्का बार हो गया या फिर ये शराब का ठेका हो गया या भांग का ठेका हो गया, ये जितने भी नशे वाली चीज़ें होती हैं ये एक्साइज डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं। तो आपको ये पता करना है कि आपके स्टेट का एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ, या फिर आप अपने स्टेट के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको लिक्वर लाइसेंस मिल जाएगा। लिक्वर लाइसेंस वो लाइसेंस होता है जिससे आप एक शराब का ठेका ले सकते हैं। यहाँ पर आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, प्लस आपका जो सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर आप किसी कागज़ पर लेकर रखेंगे वो लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको होगी। हैसियत प्रमाण पत्र मतलब कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तो आपके पास होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, तब जाकर आपको ये मिलेगा। आपकी हैसियत देखी जाएगी कि क्या आप लेने लायक हैं या फिर नहीं है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाएगा कि आपने कोई क्राइम किया है या फिर नहीं किया है। अगर आपने क्राइम कर रखा होगा तो आपको नहीं मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3, अब क्या करना है कि आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाना है और डेली के डेली अपडेट्स चेक करते रहने हैं, क्योंकि यहाँ पर समय समय पर टेंडर निकलते हैं। ऐसा नहीं है आप किसी भी समय पर जाकर वहाँ अप्लाई कर देते हो और आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम टाइम पर एक राज्य में, एक ज़िले में निर्धारित संख्या में ये लोग शराब के ठेके देते हैं ताकि कंट्रोल में दारू बिक सके। इतनी ऐसी जगहों पर ना बिके कि बिल्कुल समझ लो यहाँ पी के पड़ा, वहाँ पी के पड़ा, इंसान वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक निर्धारित संख्या में शराब के ठेके एक राज्य में, एक ज़िले में दिए जाते हैं। तो आपको ये देखते रहना है कि आपके राज्य में कब अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, कब टेंडर निकलते हैं, और आपको तुरंत ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। पहले क्या होता था कि भाई कोई विधायक से जान परिचय है तो अपना काम हो गया, अपना किसी नेता से, किसी अधिकारी से जान परिचय है तो अपना काम हो गया। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने फैसिलिटी दी है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आबकारी, आपके एक्साइज डिपार्टमेंट जो है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे बीच में ये सारे लोग जो जुगाड़ वाला काम था ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ऑनलाइन के वजह से। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि आपका लोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए, शराब का ठेका एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप किसी छोटी सी अंदर बस्ती में भी शुरू करते हैं वहाँ पर भी बहुत दबा के चलने वाला है, और अगर आप किसी हाईवे पर शुरू करते हैं वहाँ पर भी बहुत दबा के चलने वाला है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा किसी हाईवे से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप किसी अंदर बस्ती में शुरू कर लें, क्योंकि वो एरिया सही रहेगा एक हिसाब से, बिक्री के हिसाब से तो हाईवे सही रहेगा। बट हाईवे पर क्या होता है कि टाइम टाइम पर सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं लाती रहती हैं, जिस वजह से, या फिर कोई ना कोई नियम या कानून आ गया जिस वजह से हाईवे पर जितने शराब के ठेके होते हैं उन पर सबसे पहले एक्शन लिया जाता है। इसलिए आप अगर ये चाहते हैं कि आप सेफ रहें और अच्छे तरीके से आपका काम चलता रहे, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हाईवे से हटकर थोड़ा आप कहीं पर देखिए, जो कि ज़्यादा सही रहेगा। बाकी शराब की ठेका तो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कस्टमर खुद से चला जाएगा, आप कब्रिस्तान में शुरू कर दीजिए, वहाँ पर भी जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और अर्निंग कितनी होने वाली है। देखिए, हैसियत प्रमाण पत्र के हिसाब से कम आपके पास 20 से 30 लाख रुपए मौजूद होने चाहिए अगर आप एक शराब का ठेका शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग इसमें कोई लिमिट नहीं है। एक एक दिन में एक एक शराब के ठेके वाला 20-20 हज़ार से लेकर 50-50 हज़ार तक कमा लेता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक दिन में 4 से 5 हज़ार ही कमा पाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में सेल कितनी हो रही है, और उसी
हिसाब से आपकी अर्निंग भी है। नॉर्मली 5 से 10 हज़ार रुपये तो आपके डेली के कहीं नहीं गए अगर आप एक शराब का ठेका शुरू करते हैं, इससे ऊपर ही जाएगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक देसी शराब का ठेका ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।